हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की फिल्म सूर्यवंशी की रिलीज को चौथा हफ्ता भी पूरा होने वाला है। कमाई के मामले में अभी तक सूर्यवंशी ने अपनी रफ्तार जारी रखी है। सूर्यवंशी ने बॉक्स ऑफिस पर 189 करोड़ का कारोबार कर लिया है। फिल्म की कमाई ये साबित करती है कि कोरोना काल में सिनेमाघर शुरू होने का पूरा लाभ फैंस उठा रहे हैं। यूं तो सूर्यवंशी के बाद सैफ की बंटी और बबली 2, जॉन की सत्यमेव जयते 2 और सलमान की अंतिम जैसी बड़ी फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, लेकिन सूर्यवंशी की कमाई थमने का नाम नहीं ले रही है। यही वजह है कि अक्षय अपनी पिछली फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से भी बहुत आगे निकल रहे हैं और बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अब लीजिए, अक्षय ने सूर्यवंशी के चलते एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर दिखाया है। दरअसल सूर्यवंशी अक्षय की ऑल टाइम हाईएस्ट फोर्थ वीकेंड ग्रॉसर फिल्म बन गई है। इस मामले में बस मिशन मंगल से सूर्यवंशी पीछे है, लेकिन सूर्यवंशी ने चौथे वीकेंड पर गुड न्यूज, केसरी, हाउसफुल 4 और रुस्तम से ज्यादा कमाई की है। चलिए आपको दिखाते हैं पूरी लिस्ट। मिशन मंगल 4.23 करोड़, सूर्यवंशी 4.19 करोड़, गुड न्यूज 4.04 करोड़, केसरी 3.70 करोड़, हाउसफुल 4 2.55 करोड़, रुस्तम 1.37 करोड़। तो देखा आपने, अक्षय ने एक और बड़ा कारनामा कर दिखाया है। कोरोना काल के बीच लोगों को सूर्यवंशी से काफी उम्मीदें थी और अक्षय ने यह कारनामा करके साबित कर दिखाया कि खिलाड़ी कुमार फिलहाल इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। बताते चले, इस फिल्म में अक्षय और कैटरीना के साथ रणवीर और अजय भी एक्सटेंडेड कैमियो के रोल में नजर आए हैं। फिल्म को बेहद शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। देखने वाली बात अब ये होगी, आने वाले दिनों में ये फिल्म और कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़ती है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।